दिखाई दिया है यमुनानगर में, लगभग 11% पोलिंग वहां हुई है। चलिए आपको बता दें, अब आंकड़े बता रहे हैं हम, इस खबर से आगे बढ़ते हैं। वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, यमुनानगर में 11% पोलिंग अब तक हुई है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 10% के आसपास पोलिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग इस वक्त दिखाई दे रही है पलवल में, मात्र 4% वोटिंग हुई है शुरू के 2 घंटे में। पलवल में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है और फरीदाबाद की भी कमोबेश वही स्थिति है, 4.5% पोलिंग वहां पर हुई है। रेवाड़ी भी उस श्रेणी में आता है जहां 5.3% वोटिंग हुई है। में सिर्फ 3% पोलिंग हुई है ये 2 घंटे में। रोहतक में 3% पोलिंग हुई है, ये एक आंकड़ा आप समझिए। लोग अभी वोट डालने कम निकल रहे हैं, लेकिन यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, ये वो इलाके हैं जहां पर, महेंद्रगढ़, जहां पर शुरुआत में अच्छी वोटिंग दिखाई दे रही है। फिलहाल रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे कम पोलिंग नजर आ रही है। अंबाला में 8.5% से ऊपर पोलिंग हुई है, पंचकुला में 5.3% पोलिंग हुई है। कोई आंकड़े हम बता रहे हैं, अभी तक रोहतक में सिर्फ 3% पोलिंग हुई है, ये हैरान करने वाली बात है। पलवल में सिर्फ 4% पोलिंग हुई है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा दिखाई दे रहा है। जींद में शुरुआती 2 घंटे में 10% का आंकड़ा पार हुआ है। रेवाड़ी में भी सिर्फ 5% पोलिंग हुई है। झज्जर में 6% पोलिंग हुई है, तो बहुत उत्साह नजर नहीं आया। गुरुग्राम में 6% पोलिंग हुई है। इन शहरी क्षेत्रों की अक्सर हम बात करते हैं। पोलिंग में पंचकुला भी पीछे है, सिर्फ 5% पोलिंग यहां पर हुई है। पानीपत में 8.5% पोलिंग हुई है। सिरसा में 6.7%, हिसार में लगभग 9% पोलिंग हुई है। भिवानी में लगभग 8.5%, चरखी दादरी में 9% पोलिंग हुई है। तो इस तरह के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। जी शानू बताइए। भिवानी से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सराफ और कांग्रेस सीपीआई प्रत्याशी कामरेड ओम प्रकाश ने वोट डाल दिया है। और आपको बताते चले कि तोशाम से कांग्रेस प्रत्याशी अरिजीत चौधरी ने भी वोट कास्ट कर दिया है। चलिए, ये जानकारी आ रही है किसने वोट कास्ट कर दिया है, जी बताएं। सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान ने 223 बूथ नंबर पर अपना वोट कास्ट किया है, साथ ही साथ जीत का भी दावा किया है। सोनीपत बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार, और सुरेंद्र पवार और निखिल मदान के बीच में सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी टीशा बताएं, क्या जानकारी आ रही है आपके पास। अटेली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आरती राव वो भी अपना वोट कास्ट कर चुकी है और रामपुरा पे एक बूथ पर पहुंची जहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया। साथ ही बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। चलिए, तो ये आपने सुना कि अटेली इंटरेस्टिंग है आरती राव, क्योंकि पहला चुनाव यहां से लड़ रही है। सोनिया, जानकारी क्या है आपके पास। थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने अपना मतदान दे दिया है पूरे परिवार के साथ और लोगों से अपील की है कि वो अपना मतदान जरूर दें। जी थानेसर, पिछली बार बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था, महज कुछ वोटों से अशोक अरोड़ा हारे थे। एक बार फिर अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा आमने सामने है, देखना यह है कि इस बार वहां पर क्या कुछ होता है। बताएं सर, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग और महिलाएं और पुरुष और सारे लोग शामिल हैं, जो काफी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो ये उत्साही खबरें आपने सुनी कि किस तरीके से वोट परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएं, फरीदाबाद जिले से वोटिंग को लेकर बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही है, मतलब शुरुआत सुस्त है। बिल्कुल, फरीदाबाद में देखा जा रहा है कि शुरुआत बेहद सुस्त है और लोग अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो एक स्थिति देखी जा सकती थी फरीदाबाद में, वो नहीं देखी गई है। और साथ ही एक खबर ये सामने आ रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन देखा गया है फरीदाबाद में। एक युवक मतदान करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के चेहरे वाली पर्ची लेकर पहुंचा है, तो उस पर दूसरी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की होगी। जी बिल्कुल, तो ये खबर आ रही है। टीशा के पास एक और जानकारी है। जी टीशा बताएं। रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है चिरंजीव राव, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उनके साथ वोट कास्ट करने उनका पूरा परिवार पहुंचा। कैप्टन अजय यादव और पूरे परिवार ने वोट कास्ट किया, वो तस्वीरें हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी स्क्रीन पर, हमारे दर्शकों ने देखी थी। पोलिंग परसेंटेज शुरुआत में कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह बहुत हल्का है, ये एक चिंता की बात बनी हुई है। और इन सब के बीच में ये अपील भी है, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट डालने जरूर पहुंचिए, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। पहले दीजिए वोट,
फिर करिए खाना पानी। हाँ अमन बताएं। नू से जानकारी सामने आ रही है कि पुनहाना 81 में भाजपा प्रत्याशी एजाज खान ने अपनी पत्नी के साथ अपना वोट कास्ट किया है। जी, तो पुनहाना से ये खबर आ रही है जहाँ पर वोट कास्ट किया है। इसके अलावा हम आपको और जानकारी दे रहे हैं। जी बताएं सोनिया। हल्का से बीजेपी प्रत्याशी संतोष चौहान ने जो मुलाना से संतोष बीजेपी प्रत्याशी संतोष चौहान संतोष सारवान ने अपना वोट डाल दिया है मुलाना से। आपको बता दें मुलाना में इस बार क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे अब वो सांसद हो गए हैं, इसलिए उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। उनके सामने बीजेपी ने संतोष सारवान को उतारा है, तो ये मुकाबला वहाँ भी बड़ा दिलचस्प देखने को मिलेगा। हरियाणा में कई सीटों पर मुकाबला इस तरह का है, कहीं भाई बहन मुकाबले में है, कहीं दादा पोती मुकाबले में है, कहीं बहू और ससुर मुकाबले में है। इस तरह की दिलचस्प सीटें जो हैं हरियाणा में कई जगह पर बनी हुई हैं और उससे संबंधित ये जानकारी भी आ रही है।